बैठ जाइए शांतिपूर्वक और अपना कार्यक्रम करिए। अरे हम आतंकवादी हैं, हमारे पास बंदूक है, बारूद है, गोली है, कुछ है। हमारे सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय भी इतना पुलिस नहीं लगा था जितना आज रांची में लगा हुआ है। झारखंड में आज सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के दौरान छात्रों का आक्रोश दिखा। छात्र सीएम आवास घेराव करने पहुंचे तो थे, लेकिन प्रशासन ने उनको आवास तक नहीं पहुंचने दिया। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान प्रशासन बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। इतना ही नहीं, छात्रों को घसीट घसीट कर बस में बैठाया गया है। यहां तक कि महिला छात्रों पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। वहीं छात्रों ने कहा कि आखिर कब तक हम छात्र यूं ही सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे। जनता के पीठ में छुरी भोंकने वाले पर आखिर कौन सा धारा लगेगा। हमें तो कभी जब हम रांची इंटर किए तो हमें तो लगा कि आज हम अंग्रेजों के काल में प्रवेश कर गए हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय भी इतना पुलिस नहीं लगा था जितना आज रांची में लगा हुआ। जितना भी चौक चौराहा देखिए, सब में पुलिस बैठा हुआ है। लेडीज़ कांस्टेबल के साथ में डीएसपी, एसपी, सारे चार चार को डीएसपी को लगाया गया। अरे हम आतंकवादी हैं, हमारे पास बंदूक है, बारूद है, गोली है, कुछ है नहीं है, फिर किस लिए? आप ही तो कहते हैं, आप ही तो कहे थे, आप ही को तो मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 के आधार पर खतियान बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, स्थानीय के बाद नियोजन नीति बनाएंगे और उसके आधार पर हम लोग हर साल वैकेंसी लेंगे जिसमें से हर साल 2 जेपीएससी के एग्जाम लेंगे। आप ही तो किए थे, आप ही तो वादा किए थे और जो 3.5 लाख पोस्ट है उसको हम भरेंगे। क्या हुआ आपका आधा टाइट टाइट फिस हो गया? 3.5 लाख में आप क्या किए? ना तो 1932 के आधार पर खतियान पास करवाए, ना नियोजन नीति बनाया, ऊपर से उलूल जुलूल नीति 60-40 का नीति ले आए। ये कहाँ का नीति है? आप ही तो कह रहे थे कि हम ये 11-13 जिला का जो नियोजन नीति का उसको खारिज करके हम 9 राज्यों के नियोजन नीति का स्टडी कर रहे हैं और इससे बेहतर नियोजन नीति बनाएंगे। आप कौन सा आपका आईएएस था जो काट के चश्मा लेकर नियोजन नीति को बना रहा था, जो मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति बना दिया जो के बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। 2 साल किसका बर्बाद हुआ? इस युवा पीढ़ी का बर्बाद हुआ। मान लीजिए सरकार, अगर हम 25 साल में नौकरी करने वाले थे और 35 साल में नौकरी करेंगे तो ये मानव संसाधन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये सरकार हमारा 10 साल लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। जितना हमारा परिवार का वृद्धि होता, जितना हमारा समाज का प्रगति होता, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक बार समय चला बजाने के बाद जीवन का क्या सरकार लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए था, एकदम कोशिश है। तो इसीलिए हम कहते हैं लाठी गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लाठी गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बता इंतजाम क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बता इंतजाम क्या क्या है। कब तक? जब तक हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम चिटकेंगे, हम बिखरेंगे। हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम चिटकेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपना हक अधिकार से कभी समझौता नहीं करेंगे जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक हमारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं मिल जाता और जब तक हमारा 3.5 लाख वैकेंसी जो खाली है वो हमारा भर नहीं दिया जाता, हम झारखंडियों से नहीं भर दिया जाता, तब तक एकदम जाएंगे, किसी भी कीमत पर जाएंगे, चाहे गोली चले, चाहे बंदूक चले, चाहे बारूद चले, हम जाएंगे, एकदम जाएंगे। हम वहाँ भी जो विधानसभा घेराव था वहाँ भी रबर का गोली चला था, आंसू गैस चला था, लाठी चला था, डंडा चला था, पत्थर भी लोग पुलिस मारा था और ऊपर में हमको लोग को आरोप लगा दिया था। गए थे कि नहीं? हमारा माथा फटा था लेकिन गए थे। यहाँ भी जाएंगे। हम ऐसे भी कहते हैं कि हम राड सभ्यता के, राड संस्कृति के, राड माटी के, राड वंशज के राड लोग हैं। यहाँ लाठी डंडा तो क्या, हंसुआ परसा भी हमारे फीट में टूट जाएगा, लेकिन हाँ, हमारा खून अगर हमारे माथे से बहा तो हम ये वादा करते हैं कि हम आपकी कुर्सी के कालीन से 2024 में पहुँचेंगे। जैसे हाँ, रघुवर दास हमारी खून बहाई थी, यही मोराबादी का मैदान है, 6ठा JPSC में हमारा दोस्त मानस रंजन साहू को गोली लगा था। हम लोग उस टाइम भी बोले थे कि ये सरकार जितना तानाशाही कर रही है और हमारा खून बहाने का काम कर रही है, हम 2019 में इसे कुर्सी के कालीन से हम लोग अपना खून को पहुँचेंगे। देखिए 2019 में रघुवर दास की सरकार को गिरा के हम लोग 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार को लाए थे। आगे भी इसी तरह का नया रणनीति बनाएगा, नया प्लान बनेगा और सभी मुख्यमंत्री जो विधायक हैं उनका आवास घेरने का काम करने का, उसको नाकाबंदी करने का काम करेंगे। विधानसभा घेराव में जितना भीड़ था वो आज नहीं देखने को मिला, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है, 50,000 से ज़्यादा भीड़ आने की संभावना थी। लेकिन देखिए रांची का जितना भी घुसने का इंटर एरिया है, खूंटी वाला खूंटी के पास रोक दिया गया है और मांझी के पास रोक दिया, बोकारो धनबाद से जितना आ रहे हैं, हजारीबाग वाले को टोल प्लाजा में रोक दिया गया, हमारे 100-100 बसें एक एक जगह पे खड़ी है। अगर उस भीड़ को आने दे दिया 50,000 से ज़्यादा भीड़ रहेगी। लेकिन तानाशाही सरकार, आप देखे होंगे, नज़र दौड़ा के मोराबादी चारों तरफ चल जाइए, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं होगा जहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगा होगा, जहाँ 50 पुलिस तैनात नहीं होगा। चार चार DSP को लगाया गया, SP को लगाया गया, SDO को लगाया गया,
किया गया है। सोचिए कितना तानाशाह है। उनका मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था, इसलिए वो यहीं पर थे सामने। अभी सब पहुंच गए होंगे, आप देख लीजिए, जो इधर होंगे चाहे उधर होंगे सब होंगे। मनोज यादव भी होंगे, देवेंद्र दा भी होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।